नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों अज्यूम कीजिए एक IPO ओपन हुआ, आपने पैसा लगाया, पैसा लगाने के बाद IPO बंद हुआ, लिस्टिंग की डेट नज़दीक आई लेकिन लिस्टिंग नहीं होती है शेयर की। खबर आती है कि सेबी ने इसकी लिस्टिंग को रोक दिया है और इसकी लिस्टिंग रोकी इसलिए गई है क्योंकि कुछ अनयूजुअल चीज़ें ढूंढी गई हैं, फाइंड करी गई हैं। अब ऐसे में एक इन्वेस्टर जिसने IPO में पैसा लगाया था उसका पैसा स्टक हो गया है। आजकल IPO की इस तरीके से बाहर है कि इन्वेस्टर सिर्फ ये सोचता है लगाता हूँ 5 दिन में लिस्टिंग हो गई तो शेयर्स मिल जाएंगे, लिस्टिंग गेन आएगा, बेचूंगा, पैसा वापस निकाल लूंगा, नहीं आया तो पैसा मेरी बैंक अकाउंट में 5 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। ऐसे में आपका पैसा अगर फंस जाए, मतलब ना तो शेयर्स ही आ रहे ना पैसा ही आ रहा, तो क्या होगा आपके साथ, कैसा लगेगा आपको? सोचकर भी अजीब लग रहा होगा लेकिन ऐसा ही हुआ है दोस्तों एक IPO में। और इसमें IPO जो है ना वो SME IPO है। SME IPO की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आप एक लॉट में अप्लाई करने के लिए 14-15 हजार रुपए नहीं देते हो, यहाँ एक लॉट में अप्लाई करने के लिए 1.5-2 लाख रुपए देते हो। जी हाँ दोस्तों, SME IPO मल्टीपल शेयर्स का एक लॉट होता है और बड़ा पैसा इन्वेस्टर्स को देना पड़ता है। और ऐसे में एक IPO है दोस्तों जिसका नाम है ट्रैफिक सॉल, एग्जैक्टली मैं आपको इसका नाम बताऊं तो ट्रैफिक ITS टेक्नोलॉजी, ट्रैफिक सॉल ITS टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इसका IPO आ रहा था बाजार में दोस्तों, जिसको दमदार सब्सक्रिप्शन भी मिला इन्वेस्टर्स की तरफ से, लेकिन इसके IPO को रोक दिया गया है। तो ये वीडियो उन इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खास है जिन्होंने इसके IPO में पैसा लगाया था, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके पैसे का क्या होगा, आपका पैसा कब तक आपको मिलेगा, पैसा मिलेगा ये शेयर्स मिलेंगे। और दूसरा उन लोगों के लिए बड़ी खास है जो ये SME IPOs में पैसा लगाते हैं। देखो SME IPO में पैसा लगाना छोड़ दो, पहली बात तो ये लिस्टिंग पे कोई खास पैसा नहीं बनता है, और दूसरी बात आप इतना बड़ा पैसा लगा रहे हो एक ऐसी कंपनी में जिसका आपको कुछ अता ना पता, राम जाने क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। इसी प्रकार एक कंपनी रिसेंटली लिस्ट हुई थी, इसके दो शोरूम, दो डीलरशिप थी और उसको बड़ा तगड़ा रिस्पांस मिला, उस पर भी हमने बात करी थी। इस बार फिर से एक बड़ी कंपनी ऐसी सामने आई है, बड़ी मींस बड़ी खबर वाली कंपनी जो एक छोटी SME कंपनी है। पहले मैं आपको अपडेट दूं तो 10 से 12 सितंबर तक इसका इशू प्राइस ओपन था, 70 रुपये का प्राइस बैंड था और 2000 क्वांटिटी मिनिमम अप्लाई थी, यानी कि डायरेक्ट 1,40,000 का हो गया एक लॉट। तो आपने एक लॉट अप्लाई करा तो 1,40,000 रुपए आपके स्टक हो गए हैं, फंस गए हैं। 44,500 करोड़ रुपए कंपनी इशू के द्वारा जुटा रही थी, एग्जैक्टली 44.87 करोड़। अब हुआ क्या है वो सुनिए। कंपनी का शेयर आज तक बाजार में लिस्ट नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि सेबी ने रोक दिया है। क्यों रोका है? कंपनी कह रही है कि कंपनी ने कहा था ये जो 47.5 करोड़ रुपए है ना, इसका कंपनी प्रयोग करेगी किस चीज में वो मैं आपको बताऊं। कंपनी ने 3-4 बड़े प्रयोग बताए। एक प्रयोग तो था कि भैया कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा प्रयोग था एक सॉफ्टवेयर खरीदने का, और तीसरा एक और प्रयोग था। यहां पे जो सबसे बड़ा प्रयोग होने वाला था कंपनी के पैसों का वो अराउंड 18 करोड़ के समथिंग का था, जो एक सॉफ्टवेयर परचेज के लिए था। 18 करोड़ रुपए में कंपनी एक सॉफ्टवेयर परचेस करने जा रही थी, 44 करोड़ रुपए टोटल जुटा रही है जिसमें से 18 करोड़ का एक सॉफ्टवेयर परचेस कर रही थी, ऐसा IPO में कहा गया। लेकिन बहुत सारी कंप्लेंट्स आई और वो कंप्लेंट्स थी कि ऐसा जो सॉफ्टवेयर ये परचेस करने जा रहे हैं जिस वेंडर से, एक्चुअली में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या फिर वो एक शेल कंपनी है। शेल कंपनी यानी कि इलीगल कह सकते हो आप, या केवल और केवल नाम है, एक्चुअली में वो खुद कुछ करती ही नहीं है, है ही नहीं, सिर्फ बना दी गई है नाम के लिए। तो ये एक फ्रॉड केस टाइप लग रहा था दोस्तों, जिसके बाद सेबी ने BSE से कहा कि इसके IPO को आप लिस्ट मत करवाओ, अभी रोक दो, हम पूरी तरीके से जांच करेंगे। अब इस बीच में जिसने भी पैसा IPO में लगाया है उसके पैसे का क्या हुआ? क्या कंपनी के पास पहुंच गया पैसा? नहीं, ये पैसा अभी आपका सेफ है और कंपनी के पास नहीं पहुंचा है। ये पैसा आपका या तो आपको रिटर्न होगा या IPO कैंसिल होगा या फिर आपको शेयर्स अलॉट करे जाएंगे, सेम चीज है। आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, पहली बात निश्चिंत कर दूं मैं आपको, लेकिन समय लग सकता है। कितना? 30 दिन तक का समय सेबी ने बोला है। अब मैं एक बार आपको रिपोर्ट पढ़ के बताता हूं क्या है। सेबी ऑर्डर BSE टू नॉट प्रोसीड विद ट्रैफिक सॉल लिस्टिंग अमिड कंसर्न ओवर मिसयूज ऑफ IPO प्रोसीड्स, ठीक है। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी हैज आस्क द एक्सचेंज BSE टू नॉट प्रोसीड विद द ट्रैफिक सॉल ITS टेक्नोलॉजी लिस्टिंग अमिड
listing amid serious concern over misuse of the net proceeds received from the IPO. SEBI said it received complaints from various entities regarding a purchase of software from third-party vendor, which on prima facie appears to be shell entity without any prior experience in developing a software platform. तो ये थी अपडेट सबसे बड़ी, जहाँ पे ये एक सॉफ्टवेयर जिस वेंडर से ले रहे थे, वो एक्चुअली में वो वेंडर ने कभी कोई काम ही नहीं किया इस प्रकार का, कोई एक्सपीरियंस नहीं है और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें आई हैं. द रेगुलेटर सेड अ थ्रू इन्वेस्टिगेशन विल बी कंडक्टेड ऑन द डिस्क्लोजर्स मेड बाय ट्रैफिक सॉल ऑन इन इट्स DRHP फील्ड विद BSE. द investigations विल बी completed विद इन 30 डेज. द SME IPO which opened इन September received robust investor response with an overall subscription of 300 times at close. 300 गुना सब्सक्राइब हुआ ये IPO, अभी तक लिस्टिंग नहीं हुई है. इसका पैसा आप सभी के लिए सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. यहाँ पे लिखा हुआ है द BSE देन एडवाइज द मर्चेंट बैंकर एंड इशूअर टू रिटेन द एंटायर इशू प्रोसीड इन एस्क्रो अमाउंट एंड डेफर्ड द लिस्टिंग. After the listing was postponed, SEBI received several complaints from investors who had been allotted shares in the IPO. अब कुछ investors ऐसे हैं जिन्हें shares मिल गए, पैसा तो उनका गया, shares मिल चुके हैं, और अब अगर घपला सामने आया तो वो तो बेचारे फंस गए, उनको क्या. तो ऐसे में भी कुछ ना कुछ होगा. द इन्वेस्टर्स प्राइमरी रिक्वेस्टेड फॉर कैंसिलेशन ऑफ द IPO एंड रिफंड ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट. तो अब बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो कह रहे भैया इसका IPO कैंसिल ही कर दो, क्योंकि हमें तो IPO ही मिल गया, हमारा तो पैसा फंस गया, शेयर नीचे टूट जाएगा, हमारा तो पैसा टूट जाएगा, हमें रिफंड करवा दो. तो दोस्तों, आप जब कंपनी के किसी भी कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो प्लीज़ डबल रिसर्च करके लगाओ, स्पेशली SME में. इनफैक्ट मत लगाओ तो ज़्यादा अच्छा है. बड़े IPOs में भी आप पैसा लगाते हो, ऐसे केसेस तो नहीं आते, लेकिन आप रिसर्च करके लगाओ. केवल आँख बंद करके लिस्टिंग गेल तो मिल ही जाएगा, उस तरीके की सोच लेकर मत पैसा लगाया करो. अब देखो कैसे कैसे केस हो जाते हैं. 17.7 करोड़ का वो सॉफ्टवेयर परचेज था जिसको लेकर घपला सामने आता हुआ दिख रहा है. तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, बट आप निश्चित रहें आपका पैसा बिल्कुल सेफ है. जिनको शेयर्स मिल गए हैं उनके लिए कंसर्न अभी भी बना हुआ है, हो सकता है IPO कैंसिल हो और आपका रिफंड आए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे गाइस.